है जी मेरा कैमरा सेटअप, अगर आप गौर से देखें तो। आज मैंने आपको ये बताना है कि कल जो आपने ब्लॉग देखा था उसमें हम इस तरफ गए थे, यहाँ पर ये साइड हमने घूमी थी, यहाँ पर ये साइड हम थोड़ा सा एरिया ये वाला घूमे थे हम। आज जो हम जा रहे हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं और वो ये वाली साइड है, ये वाली इस तरफ, ठीक है जी। तो लेट्स गो। ये सारा एरिया जावा था, जावा का है, वो दूर तक वो घर घर नज़र आ रहे हैं तो वो भी जावा में ही आते हैं। तो लेट्स डिस्कवर टुडे, आज फिर जाते हैं और थोड़ा सा और माहौल भी देख लें आप यहाँ पर गाय भैंसें किस तरह बंधी हुई हैं। और चल चल, टीम आज मेरी टीम में दो नए मेंबर आ चुके हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है, ये पहले थोड़ा सा आ चुके हैं पहले व्लॉग में, और आप अब्दुल राफे। तो ये दो टीम मेंबर मैं आज नए लाया हूँ अपने व्लॉग में, तो आज चलते हैं। और आज हम अपना एक साथ मेहमान भी लेके जाएंगे और वो भी आप देख लेंगे कि वो क्या है, ठीक है। अनस आप इसका तो आप जानते होंगे, पिछले व्लॉग में हमने देख लिया होगा। तो लेट्स गो। और ये रहा हमारा पीछे पीछे पूरा गांव, ओ क्या ही खूबसूरत व्यू आया, चेक दिस आउट, ठीक हो गया जी। जो मैंने कल क्या कहा था आड़ा, वो ये रहा, जो मल्ला ये रहा, और मोड़ा वो नीचे रहा, और डोक इधर नीचे आ गई। और अभी आज हम जा रहे हैं तल्ला की तरफ जा रहे हैं, इधर नीचे है, ठीक है। वो कल पे छोड़ दो, काफ़ी हमारे पास टाइम है, तो लेट्स मूव ऑन। तो ये वही कुत्ता है जहाँ पर आपने ब्लॉग को ख़त्म किया था, आज वहीं से शुरुआत। तो जी ये जहाँ हम अब जा रहे हैं इस जगह का नाम है तल्ला, ये आड़े से आगे हैं, और यहाँ पर भी घर हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, माल मवेशी रखे हुए हैं। टीम में मैंने जिक्र किया था कि दो लोग होंगे। तो जी यहाँ पर है एक डैम जो गांव के लोगों ने खुद ही मिलके बनाया है, आए आपको वो दिखाते हैं। और ये बिल्कुल प्लान जगह होने की वजह से इसको तल्ला कहा जाता है। आइए सैली, अरनस कह रहा है कि सैली आई है। हम डैम पर पहुंच चुके हैं और ये डैम बना हुआ है तल्ले पे, जिस जगह को मैंने कल बताया था, शायद मैंने वो पॉइंट नहीं जाना था कल के व्लॉग में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आता होगा, आ रहा होगा एक्चुअली, मैं अब क्या करूँ, मेरे मुँह से निकल जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में पानी आ रहा है, और ये रहा हमारा छोटा सा डैम जिसे तालाब कहते हैं, हम भी तालाब ही कहते हैं, लेकिन इसको हमने प्रॉपरली नेम दिया है डैम का। तो मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, आपको सारा का सारा दिखाता हूँ, और धूप भी निकल आई है। ये देखिए मौसम इन दिनों बड़ा अच्छा है, शाम की वॉक में बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ना जो व्यूज़ आ रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, आई कॉन्ट एक्सप्लेन, आप देख लीजिए, मुझे ना देखिए, आप व्यूज़ देखिए।
हाथ हिला दे, आपके साथ आज फिर प्रैंक हो गया है ये चीज। मेरी टीम है ना ये। तो जी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। पर हाँ, आपने देखो होगा कभी ये ग्लासेस पहनी जाती हैं तो कभी ये वाली पहनी जाती हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? शायद मैं आप अंधेरा अंधेरा थोड़ा सा फील कर रहा हूँ। इसका ये लॉजिक है कि क्योंकि आपको, जैसे कि आपको पता है अगर आप वीडियोस देखते हैं, तो उसमें ये बात है कि ये ग्लासेस पहनने से आप मेरी आँखों पर फोकस नहीं कर पाते। मतलब मेरी आँखें कहाँ देख रही हैं आप ये नहीं देख पाते अगर मैं वो ग्लासेस पहन के रिकॉर्डिंग करोगे। अच्छा, जो आज हमने आपको दिखाया, जो थोड़ा सा हमने आपको नज़ारा कराया, वो भी हमारे गांव का हिस्सा है और अभी बहुत कुछ है जो आपको दिखाना बाकी है। आप अगर नहीं आ रहे थोड़े से, अगर कैमरे में आना चाह रहे हैं तो आप थोड़े इस तरफ हो सकते हैं। तो ये है जी खूबसूरती गाँव, फिर भी कमाल है, सच पूछिए तो कमाल। ठीक हो गया, तो अभी तक के लिए बाय बाय। रस्ते में कुछ और मिलता है तो आपको फिर बताते हैं। गुड बाय। चलो जी, ये चीज़, इस तरह स्वैग भी आ जाता है, थोड़ी सी लुक्स भी आ जाती हैं। और उस अभी इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, इस वक्त मैं अपने चेहरे पे देख रहा हूँ इस तरफ, और कैमरा है इस तरफ, मतलब इस तरफ कैमरा है। हालाँकि मैं, मुझे देखना कैमरे पर चाहिए। मेन ओपन फील्ड, ओपन फील्ड जहाँ पर खेती बाड़ी भी नहीं की जा सकती और किसी और काम के लिए भी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और मुझे जो अभी मैंने एक चीज़ देखी है, बड़ा अफसोस हो रहा है देख के कि एक मासूम जान मर गई है। आए आप भी देख लीजिए, ये बकरी का बच्चा मर चुका है। सो सैड। ड्रोन कैमरा तो मेरे पास है नहीं जो मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा सकूं। अभी तक जो अवेलेबल है उसी से हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस पर भी गौर किया जा सकता है। और जब ड्रोन आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको ऊपर से भी दिखा देंगे कि ये कितनी खूबसूरत जगह लगती है। एक बात और मुझे बतानी है इस बारे में, इस जगह के बारे में, कि यहाँ पर हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे इस ज़मीन पर। कहीं पानी खड़ा है, कहीं क्या है, लेकिन हम यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। ये सारी जगह ओपन फील्ड है, यहाँ पर आप क्रिकेट खेल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने खेला है क्रिकेट। तो इसी तल्ले पर हमारे सामने अब मौजूद है तालाब पानी का, जहाँ थोड़ा सा पानी खड़ा है। इसको हम अपनी ज़ुबान में टन कहते हैं। ये टन है हमारी, ये इस तरह की और बहुत सी टने हैं। सारे हंस पड़े हैं यार, ऐसे ही है, जो कहते हैं बस वही कहते हैं। अब हम अपने पास से तो याद नहीं कर सकते, तो ये है बात। ठीक है जी, पानी आता है और यही पानी आगे जाता है, ये पानी पीछे बहता हुआ आता है। कस्सी जिसे कहते हैं आप, ये कस्सी का वही फ्लो है जिसमें पानी बह रहा है। और वो सामने अनस ने कहा है कि पठान रहते हैं, तो
ये उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर रहाइश पज़ीर हैं। ये होगा, लेकिन मुझे जो अभी सबसे बेहतरीन खूबसूरत चीज़ लग रही है ना, यकीन जानिए ये व्यू है। आई कॉन्ट डिस्क्राइब। एक घंटे से वॉक कर रहे हैं अपने गांव के अतराफ, और अभी हमारा गांव ख़त्म नहीं हुआ। मतलब हम अपने गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच गए, लेकिन अभी गांव ख़त्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बड़ा गांव है और काफ़ी कुछ अभी बाकी है जो आपको दिखाना है। बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊँगा तो अच्छा रहेगा। अगर एक ही दफ़ा मैं सारा घंटे का मैं ब्लॉग बना दूँगा तो उसमें ये होगा कि आपके पास भी टाइम कोई नहीं होगा जो आप मेरी वीडियो देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके होंगे और आने वाली वीडियोस भी देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट निकाल के आप वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। ये एक्चुअली इसलिए कहना पड़ता है कि ये यूट्यूब की दुनिया का एक उसूल है कि जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन और मिलेगी और मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और ये जब मैं इस गांव को कंप्लीट कर लूँगा, डॉक्यूमेंट्री इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसके इर्द गिर्द के जितने गांव हैं वहाँ जाएंगे, जो खूबसूरत मकामात हैं और बहुत ज़्यादा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा है, वो आपको मैं दिखाऊँगा। और एक्चुअली बात यह है कि मैं इसी बहाने से वॉक भी कर लेता हूँ, राइट? और वाक इज़ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू कैन से। अगर मैं 60s में भी पहुँच जाऊँगा तो भी मैं वाक नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे इसमें मदद अता करे। ठीक हो गया, अब हम रोड तक पहुँच चुके हैं, वो जिसे हम तल्ला कहते हैं, तल्ला छोड़ के अब हम जावा के ऊपर वाले हिस्से में पहुँच चुके हैं, जिसे हम ऊपर वाला जावा कहते हैं। फ्यू हाउसेज हेयर एंड फ्यू देयर, और इधर भी आपको नज़र आ गया होगा कि एक छोटा सा तालाब है। टन, यू रिमेंबर टन? रोड के बिल्कुल साथ में बैठा हूँ, इस रोड का नाम है जावा रोड, और ये पहले कच्ची हुआ करती थी तो इस पर आने का दिल नहीं किया करता था किसी का, पर अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा, गवर्नमेंट समझते हैं ना, समझते होंगे आप, तो उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया और अब इसको पक्का किया और इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। इर्द गिर्द के गांव इधर और जगह भी हैं जिनके नाम मैं भी नहीं लेना चाह रहा, तो वो अब इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। और ये मेन जावा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी। ठीक है, तो हम वहाँ से वापस आ चुके हैं और मेरे पीछे ये स्कूल है गवर्नमेंट का, और बैक इन जावा मैन प्ले ग्राउंड और सीन्स कुछ ऐसे।
यहाँ पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपके लिए। अभी तक के लिए इतना ही, और जैसे ही कहा था मैंने पहले कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाउ एम वर्किंग और कैसी एफर्ट है मेरी। अभी इंशाल्लाह आगे भी अगले दिन का ब्लॉग भी आना है, उससे अगले दिन के भी आना है। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैमरा मेरे पास और बंद हो।